हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके गार्डनिंग चैनल पे। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि आप इस महीने में कौन कौन सी गर्मियों वाली सब्जियों को उगा सकते हैं। आप इन सब्जियों को चाहे तो गमले में, कंटेनर में, या फिर सीमेंट की बोरी में, और या फिर आप जमीन में उगा सकते हैं, आपको जैसे सुविधा लगे। तो पहली सब्जी जो हम ग्रो करेंगे वो है ये पालक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पालक के सीड्स हैं। ये देखिए, पालक मेरी अब इतनी इतनी सी हो गई है, इसे मैंने 15 से 20 दिन हो गए हैं ग्रो किए हुए। और ये देखिए, इसे मैं हार्वेस्ट करते रहती हूँ और ये बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती है। पालक में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो सब्जी हम ग्रो कर सकते हैं वो है ये करेला। जी हाँ फ्रेंड्स, हम करेले को इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बीज बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसलिए इसे आप ग्रो करने से पहले 24 आवर पहले आप इसे पानी में सोख करके रख दीजिए। उसके बाद आप इसे ग्रो करेंगे तो इसका प्लांट बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। ये देखिए, मेरे करेले का प्लांट इतना बड़ा हो गया है अभी। ये क्लाइंबिंग प्लांट होता है, इसलिए आपको इसको किसी चीज़ का सहारा देना होता है चढ़ने के लिए। ये देखिए, करेला एक बहुत अच्छा ब्लड प्योरीफायर है और बहुत हेल्दी होता है ये। इसके बाद जो हम सब्जी ग्रो करने जा रहे हैं वो है ये नेनुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बीज देखिए ब्लैक कलर के होते हैं। आप नेनुआ को इस सीजन में ग्रो कर सकते हैं और पूरी गर्मी आप खा सकते हैं। ऑलमोस्ट 60 डेज में ये इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इस समय इसे लगाते हैं तो जून में आप ननुआ की सब्जी को ले सकते हैं अपने घर में। ये देखिए, इसका प्लांट ऐसा होता है। मैं आपको प्लांट और सीड्स दोनों इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप में से जो फ्रेंड्स जिन्होंने दोनों चीज़ें नहीं देखी हुई हैं उन्हें पता लग जाए कि किसी चीज़ के सीड्स और प्लांट कैसा दिखता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ननुआ का प्लांट इस तरीके का दिखता है। और इसके बाद ये देखिए, जो सब्जी हम ग्रो कर सकते हैं वो है ये कद्दू। कद्दू के बीज ऑफ वाइट कलर के होते हैं। ये देखिए, जो इसका गोल सा हिस्सा है, चौड़ा वाला, इसे ज़मीन में हम नीचे रखेंगे और जो पतला वाला हिस्सा है इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरीके से हम इसे लगाएंगे। कद्दू भी बहुत अच्छी सब्जी होती है। ये देखिए, कद्दू का प्लांट इस तरीके का दिखता है। देखिए कद्दू का प्लांट कितना हेल्दी है। ये देखिए, इस मौसम में हम अपने घरों में काफ़ी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जो सब्जी हम ग्रो कर सकते हैं अपने घरों में वो है ये बरबट्टी। इसे कहीं कहीं पर लुबिया भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ सीड्स तो कलेक्ट किए हैं पिछले साल और कुछ सीड मैं बीज भंडार से लेकर आ गई थी मार्च के फर्स्ट वीक में ही। ये देखिए, जिन सीड्स पे ऐसे रेड कलर होता है, ये रेड कलर का एक केमिकल होता है ताकि ये अच्छे से ग्रो हों और सुरक्षित रहें। ये देखिए, मेरे बरबटी का प्लांट इतना बड़ा हो गया है अभी। ये देखिए, इस बार मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी सब्जियाँ मैं अपने घर पर ही ले पाऊँगी। और इसके बाद जो सब्जी हम ग्रो कर सकते हैं वो है ये धनिया। ये देखिए, धनिया को भी मैंने सीड से ग्रो किया है और इसे मैंने कल ही हार्वेस्ट किया है, इसलिए आपको इसके प्लांट बहुत छोटे छोटे से दिख रहे होंगे। ये देखिए, धनिया भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। बस आप इनके सीड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा ग्रो करने से पहले। इसके बाद ये देखिए, ये मूली के सीड हैं। इसमें भी देखिए रेड कलर का केमिकल लगा हुआ है। ये मूली के सीड भी बीज भंडार से ही लेकर आए हैं। मूली के सीड्स को सेव करना बहुत कठिन होता है, इसलिए मूली के सीड्स मैं सेव नहीं करती हूँ, इन्हें मार्केट से ही लेकर आती हूँ। मूली का प्लांट कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, अगर आप मूली को ग्रो कर रहे हैं पॉट में तो पॉट काफ़ी गहरा होना चाहिए, क्योंकि मूली की जो जड़ें हैं वो नीचे अंदर काफ़ी गहराई तक जाएंगी, इसलिए मूली को कभी सैलो पॉट में नहीं ग्रो करना चाहिए। ये देखिए,
मूली के पत्ते आप सैलड में यूज कर सकते हैं और मूली तो आप खा ही सकते हैं। इसके बाद जो आप ग्रो कर सकते हैं वो है ये खीरा। खीरे के बीज भी ऑफ वाइट कलर के होते हैं और खीरा भी बहुत हेल्दी होता है। ये देखिए देखिए खीरे के प्लांट भी निकल आए हैं। इस तरीके से खीरे को आप सैलड बनाइए, रायता बनाइए, कई तरीके से आप खीरे को गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे ही खाइए। इस समय लॉकडाउन की वजह से हमें सब्जियां मिल नहीं पा रही हैं और जो हमें मिल रही हैं उन्हें खाने में बहुत डर लगता है, इसलिए इस समय मौका है, समय है, आप सभी भी सब्जियाँ ग्रो कीजिए अपने घरों में। ये देखिए ये भिंडी का प्लांट है। भिंडी के सीड्स नहीं है मेरे पास क्योंकि मैंने उन सभी को ग्रो कर दिया था। ये देखिए भिंडी को भी गर्मियों में खाया जाता है। ये देखिए इसके बाद जो सब्जी हम ग्रो कर सकते हैं वो है ये लौकी। ये देखिए ये लौकी के सीड्स हैं। लौकी का प्लांट मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि लौकी को मैंने 2 दिन पहले ही लगाया है और ये अभी ग्रो नहीं हुई है। ये देखिए इसका जो चौड़ा हिस्सा है वो ज़मीन में अंदर की तरफ होता है और जो पतला हिस्सा है उसे ज़मीन में ऊपर की तरफ रखना होता है। ये देखिए ये है चौलाई के सीड्स। चौलाई को हम लोग लाल भाजी भी कहते हैं। ये देखिए इसके बीज ऐसे छोटे छोटे से काले से होते हैं। इस समय आप सभी के पास काफ़ी समय है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी सब्जियों को ग्रो करेंगे। ये देखिए मेरा मिर्च का प्लांट, इसमें काफ़ी मिर्च लगी हुई है और इसमें फ्लावरिंग भी साथ साथ हो रही है। ये देखिए उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।